आम जनमानस की सुविधाओं को देखते हुए दुर्ग के महेश कॉलोनी स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर समिति द्वारा श्री राम रसोई का शहर में 6 जगहों पर संचालित किया जा रहा है। मात्र 20 रुपए में यहां पर भरपेट भोजन देने की व्यवस्था की गई है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर भोजन कर रहे हैं। दुर्ग के महेश कॉलोनी स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर के संचालक एवं समाज सेवी चतुर्भुज राठी के नेतृत्व में नेक पहल करते हुए श्री राम रसोई का निर्माण विगत एक हफ्ते से किया गया है। इसका उद्देश्य शुद्ध और सस्ता भोजन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। आपको बता दें, दुर्ग शहर में 6 स्थान पर श्री राम रसोई इन दिनों संचालित की जा रही है, जिसमें शुद्ध और घर जैसा भोजन लोगों तक पहुंच रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ भोजन की कीमत मात्र 20 रुपए रखी गई है। 20 रुपए की थाली में पौष्टिक भोजन करने दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। खासकर ऐसे लोग राम रसोई में ज्यादा पहुंच रहे हैं जो बाहर से आकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस दौरान समिति के अजय शर्मा ने बताया कि श्री राम रसोई शुरू करने का उद्देश्य आम जन मानस को भरपेट घर जैसा भोजन परोसना है, जिससे जरूरतमंद लोगों को कम कीमत में शुद्ध भोजन मिल सके। इस संबंध में समिति और भोजन करने पहुंचे लोगों ने प्रतिक्रिया दी। से आ रहा हूं, 6 जगह खुला है तो मैं सब जगह अलग अलग दिन जाता हूँ और सब दिन सब्जी वगैरह का वैरायटी बदल बदल के देते हैं। रायता देते हैं, अचार देते हैं, आज जैसे कि आम और पुदीना वाली अचार दे रहे हैं और बहुत सुंदर भोजन बहुत अच्छा है। इसमें तेल की मात्रा कम रहता है, हमारे सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने नहीं देते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाना। मैं तो 6 तारीख से आ रहा हूँ, 6 जगह खुला है, सब जगह अलग अलग जगह गया हूँ। हाँ सर, अब मैं मतलब यही खाऊंगा दोपहर में, खोल देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, अकेला हूँ मैं। बहुत अच्छी है कॉन्सेप्ट, अपने आप में बहुत अच्छा है। जैसे गुरुद्वारों में प्रथाएं चलती है लंगर की, ये भी एक बहुत अच्छी पहल है राठी जी द्वारा। और सबसे अच्छी बात कि अगर कोई व्यक्ति 20 रुपये का कुछ खाना खाने खरीदता है तो तला हुआ भोजन ना चाहते हुए खाता है, और ये बिल्कुल सात्विक है भोजन, जिससे कि हर किसी की सेहत पर भी घर का खाना है अच्छा असर पड़ता है, समाज को अच्छी मैसेज जाती है समाज को। ये मेरी तरफ से तो हार्दिक शुभकामनाएं सबको, और ये कंटिन्यू रहना चाहिए लंबे समय तक, इसको डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए कभी भी। मंदिर समिति द्वारा संचालित श्री राम रसोई विगत 6 जून से शहर में 6 स्थानों पर प्रारंभ की गई है, जिसमें चंडी मंदिर शहर के मुख्य मंदिरों में, लंगूरवीर मंदिर, साई मंदिर, मेन हॉस्पिटल, मालवीय नगर चौक में ये हनुमान मंदिर, इन स्थानों पे हमने राम रसोई के माध्यम से बढ़ती हुई महंगाई को लेकर हमारी संस्था के प्रमुख हमारे संरक्षक चतुर्भुज जी राठी सुरेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में यह काम चालू किया गया। और बाहर से आने वाले आम जिनकी आवश्यकता हो वैसे लोगों को कम से कम रेट में 20 रुपए के माध्यम से हमने भरपेट भोजन की व्यवस्था दी है, जिसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी, अचार, ये सुविधाएं हम उन्हें प्रदान कर रहे हैं। कितने बजे से? 12 बजे से 2 बजे तक का समय हमने दिया है, 12 से 2 के बीच में जो भी आएगा 20 रुपए में भरपेट भोजन करके जाएगा। अब हमने पहले 50 लोगों से चालू किया था, लेकिन निरंतर 25 से 30 लोग बढ़ते हुए आज संख्या 200 के लगभग, हर सेंटर में लगभग 200 लोग पहुंच रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। मैं अजय शर्मा, राधा कृष्ण मंदिर समिति सदस्य, और मैं यहाँ CGPSC की तैयारी कर रही हूँ। ऊपर से मैं ये रोज़ सुबह रनिंग करने जाती हूँ तो वहाँ से आके मैं पूरा थक जाती हूँ, और जैसे खाना घर में क्या होता है कि हम बना नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम होती है, और बाहर हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो हम लोगों के लिए जो सुविधा जो हुई है वो बहुत अच्छी हुई है कि हम लोगों को एकदम मतलब पढ़ने का टाइम मिल जा रहा है और बहुत स्वादिष्ट खाना जो घर में खाते हैं वो खाना मिल पा रहा है। ये सुविधाएँ जो है हमेशा आगे सुचारू रूप से चलनी चाहिए। मेरा नाम सीमा वर्मा है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।